दोस्तों, बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल और हेल्थ के प्रति लापरवाही ने आज करोड़ों लोगों को बीमार बना रखा है और बीमार पड़ने वालों में से सबसे बड़ी तादाद फैटी लीवर वाले पेशेंट की है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फैटी लीवर क्या होता है, उसके कारण, लक्षण और इलाज क्या क्या होते हैं। अगर आपने मेरा वह वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या मेरे चैनल में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उस वीडियो मैंने बहुत ही सरल भाषा में बताया है कि फैटी लीवर क्या होता है और इससे हमें कैसे बचा जा सकता है। उसी तरह आज हम लोग बात करेंगे कि 15 फ्रूट ऐसे कौन कौन से होते हैं, यदि आप उनका सेवन करते हैं तो आपको फैटी लीवर की समस्या कभी भी नहीं होगी। लेकिन यदि आपको फैटी लीवर की समस्या हो गई है तो आप उन फ्रूट का इस्तेमाल करके अपने फैटी लीवर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं हूं और आप देख रहे हैं मेडिकल मंत्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि यदि आपके फैटी लीवर है तो आपको कौन कौन सी चीजों का सेवन करना चाहिए, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है कॉफी का। दोस्तों, फैटी लीवर से ग्रस्त लोगों पर हुए एक अध्ययन में पता चला है कि कॉफी न पीने वाले लोगों की अपेक्षा कॉफी पीने वाले लोगों में इस बीमारी की वजह से लीवर को कम नुकसान पहुँचता है। माना गया है कि कॉफी में मौजूद कैफीन एबनॉर्मल लीवर एंजाइम की मात्रा कम कर देता है, जिस वजह से लीवर को कम नुकसान पहुंचता है। तो दोस्तों, यदि आप चाय का सेवन कर रहे हैं तो आप चाय के जगह कॉफी का सेवन कर सकते हैं, इससे आपका लीवर भी बचा रहेगा। दोस्तों, यदि आप हरी सब्जियों में ब्रोकली, पालक, पत्ता गोभी को अपने आहार का भाग बनाते हैं तो यह आपके वजन कम करने में मदद करता है और इस तरह आपके फैटी लीवर के बड़े कारण को कंट्रोल रखने में मदद कर सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे यदि आप मछलियों का सेवन करते हैं तो इससे भी आपको फैटी लीवर की समस्या होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। दोस्तों, सलमोन, सैडिनेस, टूना और ट्रूट जैसी मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड लीवर में फैट का लेवल इम्प्रूव करने में सहायक होता है और यह इंफ्लामेशन भी कम करते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग ओट मील, जिसे हम लोग दलिया बोलते हैं, यदि आप उनका सेवन करते हैं तो आपको बहुत ही कम चांस होते हैं फैटी लीवर होने के। दलिया में मौजूद कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर को ऊर्जा देता है और इसमें मौजूद फाइबर आपका पेट भर देता है। इसी तरह आप अपने वजन को कंट्रोल में रख सकते हैं। दोस्तों, अखरोट में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। एक अध्ययन में पाया गया है कि अखरोट खाने से फैटी लीवर की बीमारी से ग्रस्त लोगों का लीवर फंक्शन टेस्ट में सुधार आया है। तो दोस्तों, यदि आप अखरोट का सेवन करते हैं तो आपका फैटी लीवर सही हो सकता है। दोस्तों, एवोकाडो में प्रचुर मात्रा में हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं और रिसर्च बताती है कि उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो लीवर डैमेज को धीमा कर सकते हैं। साथ ही ये एक फाइबर रिच फूड होता है जो वजन कम करने में मददगार होता है। दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर सूरजमुखी के बीजों में विटामिन ए की अधिक मात्रा पाई जाती है, यह लीवर को खराब होने से रोक सकता है। दोस्तों, बात करें ओलिव ऑयल की तो इसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा पाई जाती है। ये कुकिंग के लिए बटर से ज्यादा अच्छा होता है। रिसर्च में पता चला है कि लीवर एंजाइम को कम करने या वेट कंट्रोल करने में यह मददगार होता है। दोस्तों, यहीं पर बात करें कि लहसुन हमारे फैटी लीवर के लिए कैसे सहायक हो सकता है, तो कुछ स्टडीज में पाया गया है कि फैटी लीवर डिजीज से ग्रस्त लोगों में गार्लिक पाउडर वजन व फैट कम करने में सहायक होता है। दोस्तों, ग्रीन टी अपने आप में बहुत ही फायदेमंद है और कुछ साइंटिस्ट इसके फैट एब्जॉर्प्शन को कम करने के रोल पर अध्ययन कर रहे हैं। कुछ एनिमल्स पर हुई स्टडीज में पाया गया है कि ग्रीन टी का सेवन डाइट से वसा अवशोषण को कम कर सकता है। दोस्तों, मैंने ग्रीन टी पर पहले ही एक वीडियो बना दिया है, अगर आपने मेरा वह वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे यदि आपके फैटी लीवर है तो आपको कौन कौन सी चीजों से दूर रहना चाहिए, तो दोस्तों उसमें सबसे पहला नाम आता है शराब का। दोस्तों, यदि आप शराब का सेवन कर रहे हैं तो आप अपने शराब का सेवन करना बंद कर दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा कारण फैटी लीवर का शराब पीना होता है। दोस्तों, जिन चीजों में शुगर अलग से ऐड की जाती है उन चीजों को फैटी लीवर के पेशेंट को नहीं खाना चाहिए, जिनमें से कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट जूस, सोडा, टॉफी, कुकीज आदि होती है। ये खाने से हाई ब्लड शुगर लेवल में फैट बिल्डअप पड़ता है, जिसकी वजह से आपको फैटी लीवर की समस्या और भी हो सकती है। यदि आप फैटी लीवर के पेशेंट हैं तो अधिक नमक खाना आपकी बॉडी में जरूरत से अधिक पानी रोक सकता है, इसीलिए आप नमक कम खाएं। दोस्तों, बात करें लास्ट पॉइंट की तो यदि आप रेड मीट का सेवन कर रहे हैं तो आप इसे छोड़ दीजिए। रेड मीट जैसे कि मटन, पोर्क इत्यादि में अधिक मात्रा में सैचुरेटेड फैट होता है। फैटी लीवर से ग्रस्त लोगों को इनका सेवन नहीं करना चाहिए।